थाना मऊ दरवाजा में मऊ दरवाजा पुलिस को ये सूचना मिली थी कि एक युवती का शव खेत में पड़ा हुआ है। मौके पे पुलिस वहाँ पहुंची और फिर उनके भाई के द्वारा दिए गए तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया, उसमें दो फायर आर्म इंजरी थे और दोनों में एंट्री वुंड और एग्जिट वुंड दोनों था। इसमें पुलिस ने बहुत ही संजीदगी से विवेचना की, सारे साक्ष्य इकट्ठा किए और मौके पर ही हमने बेंजामिन टेस्ट कराया उसके पति का, जिसके हाथ में हमें ब्लड प्राप्त हुआ और साथ में घर में ही एक भीगा हुआ कुर्ता शर्ट प्राप्त हुआ था, जिस पे भी बेंजामिन टेस्ट कराया गया तो उस पे ब्लड प्राप्त हुआ। तभी से पुलिस को इस बात का शक था कि उसके पति इस हत्या में शामिल हो सकते हैं। हमने उसके बाद कड़ी दर कड़ी एक एक साक्ष्य इकट्ठा किया और बहुत से लोगों से पूछताछ की और पूछताछ करने के बाद अभी उसके पति को गिरफ्तार किया गया है और वही इस हत्या को अंजाम देने वाला व्यक्ति है। मोटिव जानने के लिए पुलिस ने भरपूर प्रयास किया तो मोटिव कुछ इस प्रकार निकल के सामने आया है कि ये अपनी पत्नी पर शक करता था कि उसका दूसरे किसी पुरुष से संबंध है और घटना की रात्रि जब मध्य रात्रि के आसपास लगभग 11-12 बजे, जैसा कि बताया जा रहा है, ये घर से निकली थी शौच के लिए और तभी इसे शक हुआ कि ये कहीं जा रही है। पीछे से आया और इसने पहला राउंड चलाया, उसके बाद जब वो नीचे गिर गई तो दूसरा राउंड उसने सर के ऊपर चलाया था, जिसके बाद खून का फवारा वहाँ से फफक पड़ा जो इसके बॉडी पे पड़ा था, जो बेंजामिन टेस्ट में पुलिस द्वारा कंफर्म किया गया है। और जो कहानी इसके द्वारा पहले बताई जा रही थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, वो कहानी धराशायी हुई और उस मुताबिक पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है और सभी साक्ष्य इकट्ठा करके इसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है जी। और जैसा कि इसने बताया कि तमंचा इसे घर में बहुत दिनों से था और ये कारतूस जहाँ से बताया है, पुलिस उन सब में उसके छानबीन कर रही है, उन लोगों से भी पूछताछ करेगी और उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। सर, इसका कोई आपराधिक अभी तक ऐसा कुछ हमारे सामने नहीं आया है और हम लोग इसके बारे में छानबीन करेंगे।